भारत का डिमांड है। इस कोरोना महामारी के दौर में जब जनता पूरे देश की पूरी दुनिया की जब परेशान है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लोगों ने जनता के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि जो हमारे पास बिल है जिनकी लंबाई चौड़ाई घर की 80 स्क्वायर फीट है, उनका बिल आया है 4,000, 5,000, 3,000, 8,000। ये इतनी बड़ी समस्या है कि अब जनता जब परेशान है, भुखमरी के कगार पर है, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, सारे कल कारखाने बंद हैं, ऐसे में इलेक्ट्रिक सप्लाई का ये अत्याचार नहीं भयानक अत्याचार है। इसको तुरंत विलंब जो है इसको आप बातिल करें और इस 3 महीने की तुरंत जो है माफ करें। हम लोग इसको बिल को बातिल करना चाहते हैं कि 3 महीने का बिल अविलंब इसको बातिल किया जाए। और साथ ही साथ अब जो है 200 यूनिट प्रति व्यक्ति को इसके लिए अब छूट दी जाए, जैसे दिल्ली में दिया गया, इसी तरह से लोग छूट चाहते हैं, समाजवादी पार्टी यही चाहती है। जिस तरीके से अभी देखा गया है कि अभिषेक बनर्जी ने और टीएमसी के लीडरान जो इसको अभिनंदन किए हैं, उसका कुछ मतलब बताएं कि कोलकाता की जीत है, अभिनंदन हमारे पास जो बिल है, मैं इस पे इसके आधार पे बात करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो बिल आदमी की जांच कर ली जाए, जितने हमारे पास बिल हैं सब की जांच कर ली जाए, इनके घर की लंबाई चौड़ाई कितनी और इनका बिल कितना आया हुआ। तो वो तो कह रहे सीएससी का कहना है कि हम लोग 3 जून महीना से हम लोग बिल इलेक्ट्रिक सप्लाई बात को मैं कहे इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो गोयनका जी बात को कहें कि हम 3 महीने के बिल माफ करते हैं, पेपर में टीवी के माध्यम से जनता को बता दिया जाए और कह दिया जाए जो बिल गया इसको नहीं जमा किया जाएगा, इसको आप तुरंत बातचीत करते हैं। अभिषेक बनर्जी को कहें चलिए उनका स्वागत है, लेकिन जो पैसा लेगा अभिषेक बनर्जी के खाते में पैसा जाएगा नहीं, वो तो जाएगा सीएससी के खाते में, तो वो कहे भाई, उसको कहना चाहिए, जनता को उसको बताना चाहिए। हम तो बिल के आधार पर बात करने आए आपसे। आप लोगों का ये आंदोलन ऐसी इसी तरह जारी रहेगा? आंदोलन अभी जारी रहेगा। आज हमारे पास जो समय था, जो हमको पुलिस समय दिया था, उसके ऊपर हम लोग काम किए हैं, इसके बाद फिर हम लोग सड़क पर उतरने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक ये बिल माफ नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्रोटेस्ट समाजवादी पार्टी की जानिब से यूं ही चलता रहेगा। जिस तरीके से सीएससी की जानिब से जो है वो लोगों को गुमराह करने की जो रिपोर्ट दी गई है कि 2 महीने से बिल लिया जाएगा, अब तक इस बात को निकला नहीं किया गया है कि ये 3 महीने जो बिल है वो माफ किया जाएगा। माफ का लफ्ज अब तक किसी भी लेटर में नहीं आया है, जिसकी वजह से तमाम सियासी पार्टियाँ जो है वो नाराजगी जाहिर कर रही है और लोगों का एक ही डिमांड है कि सियासी पार्टियाँ सीएससी का बिल माफ करना होगा और ये बाजाबते मीडिया के सामने आकर के ये अनाउंसमेंट करना ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पर मौजूद मौलाना से भी पूछ रहे हैं वो क्या चीज़ को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर सीएससी के बिल को लेकर जितनी बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बंगाल की सरकार को काफी परेशानी में गिरी हुई। क्या आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है मौलाना साहब, क्या आप अभी क्या आप लोगों को लग रहा है कि क्या इससे मतलब जो लोग जो हैं घरेलू जो लोग हैं उन लोगों को परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है तभी तो ये आंदोलन हो रहा है, परेशानी है तभी तो आंदोलन किया जा रहा है और इससे और आगे भी जो काम किया जाए होने का रहेगा किया जाएगा। आप लोग इसी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? हाँ, प्रोटेस्ट तो जारी रखेंगे। सीएससी को लेकर के तो हाईकोर्ट ने बाजाबते कह दिया कि 28 तारीख तक का आपको 28 अगस्त तक का देना। हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी उसके ऊपर हम लोग अमल करेंगे। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।